घर इतना साफ क्यों कर रहा है? जरूर रोहित के काम होंगे। रोहित, रोहित। हाँ, क्या हो गया? यह साफ सफाई किसने करी है? मेरा गणेश जी कर रहा था साफ सफाई करने का। क्या? यही संस्कार दिए मैंने तुझे, गंदी औलाद। तो क्यों हो गया? अभी की अभी अपने भाई के साथ गेम खेलने बैठ और अपने दोस्तों के साथ घूमने जा। मन कति बढ़िया लगता गेम खेलना, रात ने 1 बजे तक घर से बाहर रहना। और रात को 1 बजे से पहले आया तो तेरा पढ़ाई करना बंद। ओ, न्यू करेगी। और सफाई करना भी बंद। ना ना, न्यू मत कर प्लीज। और अभी जा गेम खेल, इसके बाद घूमने जाइयो, निकल यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, जाऊँ खेलूँ खेलूँ। भाई तू पढ़ क्यों रहा है? मम्मी ने गेम खेलने दी कही है। तुझे कही है तो अपना आराम से खेल, मैं तो पढ़ रहा हूँ। भाई तू क्यों पढ़ेगा फिर? मैं भी पढ़ूंगा। मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ूंगा। तू? मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा। समझ गया बात को। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। पर हमारे में नमस्ते नहीं करते। फिर ठीक है जी, हमने नमस्ते क्यों भी आदत को ना। पापा बताइए एक बार। हाँ हाँ, कौन है कौन है? ये हुई ना बात, और लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है? देखो जी, मारा छोरा 12वीं में 5वे फेल है। कोई होके तो दिखा दो, गर्व है हमने इस बात पे। अरे वाह वाह, क्या बात है, लड़का काम क्या करता है? देखो जी, मारा छोरा पढ़ाई में बहुत घना तेज था, इस मारे मैंने इसका बिजनेस खुलवा दिया। अरे इस बिजनेस में भी 100% फेल होगा, इस बात का भी बेरा से मैंने, पर मन्ने इस बात पे भी गर्व से। अरे वाह, हमारी लड़की राज करेगी, राज बिल्कुल रानी बन के रहेगी। बात घनी होगी, लड़की ने बुला लो। अभी बुलाती हूँ। शीतल। योके, इसने तो सूट पहन रखा है। जी हमने तो ऐसे ही पहना दिया, नहीं तो हम नहीं पहनाते सूट। जी हमारे यहाँ तो ऐसा है, लड़कियाँ जींस टॉप पहनती हैं। पापा बताना कुछ। अबे नाम मैंने ना बेरा, तू बता दे सारे। हाँ, स्कर्ट पहनती हैं, क्रॉप टॉप पहनती हैं, वन पीस पहनती हैं। हाँ। तुम टेंशन मत लो, आज से सूट साड़ी को हाथ भी नहीं लगाएगी। चलो ठीक है फिर, चेंज करके आ जाओ। हाँ बस 2 मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। मुझे भी ना इस सूट में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? अब ठीक है? यो ठीक है। नहीं पापा, बिल्कुल यार, लागी ड्रेस बढ़िया। चल ऊपर चल के बात करते हैं, ये बूढ़े लोग हमें बात नहीं करने देंगे। वाह क्या संस्कार है, देवी है देवी, यह हमारे घर ने स्वर्ग बना देगी। अच्छा ही बताओ, क्या बात करनी थी आपने? आपको अभी से इतनी बदतमीजी? अगर तू चाहता है कि मैं तुझे इज्जत से गाली दूं तो तुझे भी देनी पड़ेगी। ये भी ठीक है, अब से है ना गाली दे के ही बात करेंगे। आज से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी तेरी? हाँ हाँ, और क्या, मेरी तो 25-30 गर्लफ्रेंड थी। वो फराते रहते हैं, लड़कियाँ तो आगे पीछे घूमती है। हाँ इंडिया है, लड़के होने के भी अपने फायदे हैं। ये बात तो है ही, लड़की होने का कोई फायदा नहीं, सारे फायदे लड़का होने के हैं। और न्यू बता, तेरा कोई था बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं तो सिंगल ही थी, कभी किसी ने भाव नहीं दिया, लड़की हूँ ना इसलिए। अच्छा, और पढ़ाई में क्या झंडे काटे हैं तने? यार झंडे का तो पता नहीं, लेकिन आज तक मैं पास नहीं हुई हूँ, हर सब्जेक्ट में फेल हूँ, यहाँ तक कि मैं ड्राइंग में भी फेल थी। और मेरी फैमिली को मुझ पे इस बात पर प्राउड होता है, अरे नाज करते हैं मुझ पे, नाज कहते हैं तू हमारा नाम रोशन करेगी। के बात का है, सारी आना फेल। यार तू तो घनिया स्मार्ट है, तेरे जिसी फेलियर छोरी है ना, आज तीन टकराई मने। वो तो मैं हूँ, पर ये बताओ तुमने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, तो तुम इतनी जल्दी अपनी शादी के लिए क्यों मान गए? मम्मी हम नीचे जावा है। अरे कहाँ जा रहे हो, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आना था। हाँ माँ ये देखो।
अरे वाह, सब सब्जेक्ट में फेल, एक में तो -10। बड़ा किस्मत वाला है मेरा बेटा, मेरा तो नाम रोशन करेगा। और रोहित तुम्हारा क्या हुआ? मेरा भी आ गया, मैं भी दिखाता हूँ। अरे ये क्या है, 70%, 80%, सब में पास और इंग्लिश में तो है 90%। मेरी चप्पल कहाँ है? इसका तो मार मार के पढ़ाई का भूत उतारूंगी। सॉरी मम्मी, इस बार पक्का फेल होऊंगा। बेराना क्यों, एग्जाम से पहले पढ़ने का जी कर गया और मैंने सारा पढ़ लिया। कुछ सीख अपने भाई से, एक बार भी पास नहीं हुआ। और तो और स्कूल से कंप्लेन आती है, एक बार तो स्कूल से भाग भी गया था और तुझसे फेल नहीं हुआ जाता। बस अब तो बहुत हो गया, अब तो तेरी शादी करवाऊंगी। मम्मी शादी की बात कितने बीच में आ गई, हो जाऊंगा ना फेल। बस अब कोई बहस नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। 3 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छी सी लड़की देके तेरी शादी कर देंगे। ठीक है, चल चलेंगे। अरे कहाँ खो गया? कहीं नहीं, और आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ती है ना। अरे वाह, है तो तू स्मार्ट लेकिन लगता नहीं है शक्ल से। और तू क्यों मान गई शादी के लिए? वैसे तो कोई लड़का ध्यान नहीं देता, लड़की हूँ ना इसलिए। चलो शादी के बहाने कोई मिला तो। चल फिर घराला से बता दे हैं कि हम एक दूसरे न पसंद करे हैं। ये भी कोई पूछने की बात है। चल तो क्या रहा, हम एक दूसरे न घना पसंद करे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटी ये बताओ, खाना बना लेती हो? नहीं, वो तो मैं ऑर्डर कर लूंगी, मुझे तो बस पैक बनाना आता है। अरे ये तो सोना मिल गया सोना। और बेटा रोहित, इसका मायके आने का मन करे तो बिल्कुल मत लाना, तुम भी संभालो इस मुसीबत को। शादी के बाद हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो मायके आने नहीं दूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और ये भी नहीं आएगी, है ना? बेटा एक बात और, रोज कलेश करना है और रोज पार्टी करनी है, मारी शोक शांति का कति नाश मार देना है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो रोज कलेश करूंगी और पार्टी भी जम के करूंगी, और आपका ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, भले ही शादी के अगले दिन मर जाना। वाह यार, तेरा तो फैन हो गया मैं। ओए क्या संस्कार है, क्या संस्कार है। अरे बेटी किसकी है बेटी? चलो फिर डांस हो जाए। ये तुम्हें पूछने की बात है। आ गया भाई, तू कहाँ था इतनी देर से भाई? अरे उड़ा छोरी खड़ी थी गनी है, छेड़न लग गई, इस मारे वार होगी मने। अरे यार इन लड़कियों का तो रोज का हो गया ये। क्या कर सकते हैं भाई, लड़कियाँ हैं, घर वाले ने बिगाड़ रखा है। छोड़ो ना इन बात ने, अरे एक बात बताऊँ, मेरा ब्याह पक्का हो गया। वाह क्या बात है भाई, अब तो तू घोड़ी पे बैठेगा, फिर कब है शादी? अरे तावड़ी हो जाएगा, पक्का तो हो गया, ब्याह भी हो जाएगा। फिर भाभी का नाम तो बता दे भाई। अरे भाई वो सब छोड़ तू, एक बात बता, भाभी की बहनें भी तो होंगी। हाँ भाई दो हैं। अरे भाई उनसे हमारी बात करा दियो तू। पर तेरी तो पहले आते दो गर्लफ्रेंड है और 4 बेस्ट फ्रेंड है और 3 टाइम पास है। बट यार स्टिल लाइफ में कुछ कमी है, वो बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कोई मुझे समझे अच्छे से। सही कह रहा है, वेरी ट्रू। ठीक है फिर अगली बार मैं लूंगा ना, कह दूंगा कि अपनी बाणा ने भी लिया, अरे फिर तुम भी चालियो मेरी गैल। ये चलो लाइब्रेरी में चाल के 2-3 किताब पढ़ देंगे, मजा आ जाएगा। और भाई बैचलर पार्टी का क्या सीन है? पापा ने क्लब बुक कर रखा है और 2-3 नाचने गाने वाले बुला रखी हैं, लेकिन यार मेरा मन नहीं क्लब में जाने का, देखूंगा मना कर दूंगा। अबे यार ऐसा थोड़ी होना था। मना कर देना भाई, लास्ट डे आजादी का और उसमें भी क्लब जाएंगे। के करूँ, तुमने भी रात है हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं। चल ठीक है भाई, कोई नहीं, क्लब के बाद नाइट स्टे करते हैं और पूरी रात पढ़ाई करेंगे और गूगल पे अच्छे अच्छे इफेक्ट पढ़ेंगे। हाँ ठीक है पक्का। चल फिर भाई चलते हैं। चलो चलेंगे। तू इतनी लेट क्यों आया? दोस्ता तो मिलने जा रहा था, पूरा टाइम लग गया मने। हाँ लड़के कभी टाइम पर आते भी नहीं है। करना तो पड़ेगा ही वेट। हाँ ये बात तो है, वेट तो मुझे करना ही पड़ेगा तेरा।
चल वेट तो मैं कर लूंगी तेरा, पर ये बता लड़की से मिलने गया था या लड़के से? ना ना, लड़की से नहीं, लड़के से ही मिलने गया था मैं तो। लड़की से मिलके आते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है फिर, अगली बार किसी लड़की से मिलने जाऊंगा ना मैं, तेरे तो बता दूंगा, फिर तू राजी हो जाएगी। ये बात मुझे पसंद आई। और एक बात और, हम बैचलर पार्टी करने की सोच रहे थे। हाँ तो फिर इसमें सोचना क्या है? कि हमें पार्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है। क्या? उसमें लड़कियां भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना लड़कियों के बैचलर पार्टी में मजा कैसा। अच्छा, तू तो घनी अंडी छोरी है, जब तो मैंने बड़ी अलग है, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। कुछ पक्का नहीं है मेरा, मेरी भी तो बैचलर पार्टी है। चल सही है, तू अपनी बैचलर पार्टी कर, मैं अपनी करता हूँ। और एक बात और, बैचलर पार्टी के बाद तुझे मॉल लेके चलूंगी, शादी की शॉपिंग भी तो करानी है तुझे। तू क्यों कराएगी? कमा किसके लिए रही हूँ, तुझ पे खर्च नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी, तू बस मौज ले। अच्छा यह बात है। और हाँ, शादी के बाद तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे जब मैं कमा रही हूँ तो तू क्यों करेगा मेहनत, तू बस घर में बैठ के राजा की तरह ऐश कर। सही है, जो करते ना ठीक लग गए। चल रही, चलेंगे। चल अब चलते हैं, अपने बेबी को कुछ खिला कर लाती हूँ। और भाई क्या हाल है, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? यार शादी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अरे भाई शादी को छोड़ ना, चल कोई गेम खेलते हैं। ट्रुथ गेम खेले? हाँ रोहित ये सही है, चल तू ही स्टार्ट कर दे इस गेम को फिर। हाँ तो अपनी लाइफ का वो टाइम बता जब तू बहुत ज्यादा दुखी था। मेरा सर द बुंडा टाइम। बेटा रोहित। हाँ पापा। बेटे कल तू स्मोकिंग करने लग रहा था। जी पापा। बेटा ये सारी चीज है ना घर पे किया करो आप, हमने इतनी मेहनत करके सारी चीज घर पे लगवा रखी आपके लिए, आप बाहर क्यों करते हो? इतना सारा सब कुछ आपके लिए तो करवा रखा है। सॉरी पापा। बेटा सारा सब कुछ घर पे प्रोग्राम आपके लिए तो करवा रखा है, दारू पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, हुक्का पियो, सारा चकने का प्रोग्राम कर रखा है, सब आपके लिए तो कर रखा है, किसी और के लिए थोड़ी कर रखा है। ठीक है पापा। और आप आगे से घर में ही स्मोक करोगे। ओके पापा। और आगे से कभी भी ड्रिंक करनी हो ना, हमने आपके कमरे में सभी तरह के ब्रांड रखवा रखे हैं। हाँ? हमारा नाम रोशन करना है आपने। जी पापा। और एक बात और बताऊं बेटा, हम अपने स्कूल में सबसे लास्ट आते थे, सबसे लास्ट, बहुत बार फेल हुए, लेकिन हमने रोज दारू पी, बिल्कुल रोज। ठीक है पापा। वेरी गुड, लो इसी बात पे सिगरेट पियो बेटे। और छल्ले बनाने सीखे हैं? नहीं पापा। अभी तक क्यों नहीं सीखे हैं? छल्ले बना के दिखा मुझे। हाँ कोशिश करता रहे। ठीक है पापा, कर रहा हूँ। गुड। बनेंगे पापा, बनाता हूँ मैं अभी। ठीक है। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। लंबा ले इसको, लंबा ले थोड़ा सा। हाँ हाँ, आता नहीं ना अभी। गोल करके फेंक, गोल करके फेंक बार। हाँ गुड, जाने दे जाने दे। ठीक है पापा, आ गई। गुड, सीख जाएगा आराम आराम से। भाई तेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ यार, बहुत गुस्से वाले लगते हैं तेरे पापा। हाँ यार, ये सब है अगर हम देसी बाल का कह लिया। कोई बात नहीं, अब तो तेरी शादी होने वाली है भाई, भाभी तेरे को पलकों पे बिठा के रखेगी, पूरा खुश रखेगी तेरे को। हाँ देखेंगे भाई, ये सारी पत्नी ऐसी होया अगर है, ब्याह ते पहले दिखाऊंगी कि भाई मार तेरे गणाई टाइम है, और ब्याह पाचिन तेरा टाइम ना होता, ऑफिस के काम में बिजी हो जाए ये। भाई किस्मत वाली होगी वो जो तू से मिला, नहीं तो तू कॉलेज में डिमांडिंग सिंगल था, सारी लड़कियां तेरे पीछे घूमती थी। हाँ लक्की तो है तुम्हारी होने वाली भाभी। पुष्पा ने तो इसके लिए लड़ाई भी कर ली थी। हाँ वो झुकेगी नहीं साला। हाँ भाई। अच्छा विशाल अब तू बता कोई बात। चलो तुम एक बात बताऊँ, लेकिन प्रॉमिस करो यार, किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। जज भी मत करना। हाँ भाई प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। भाई पिंक, रेड, ग्रीन सारे प्रॉमिस हैं। तुम्हें पता तो है मैं राशि के साथ रिलेशन में हूँ 2 साल से। हाँ भाई ये तो सबको पता है। हमने तो भाई वही किया है। वो क्या? वही जो तेरे साथ होने वाला है। मैं तो कुल्ला करने वाला हूँ, गले में खराश हो रही है। ये भगवान। अरे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुल्लू मनाली घूमने गया था,
तो साफ साफ बोलना, क्या घुमा रहा है बात को। ओ, शर्म नहीं आई तेरे को? तू 3-4 दिन घर से बाहर रहा। भाई मैंने बोला था ना जज मत करना, और वो तुमने कर दिया। अरे क्यों रो रहा है, नहीं कर रहे जज? हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई नहीं, मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। देख कैसा सा है, 3-4 दिन घर से बाहर रहता है। मैं तो भाई शादी से पहले कहीं जाने की भी ना सोचूं। अरे लड़की ने बोला होगा भाई, लड़कियां बहुत तेज होती हैं। भाई नाम तो खराब लड़कों का होता है फिर। सही कह रहा है, मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगा अब। मेरे को तो पसंद ही नहीं है, मैं तो कभी बात ही नहीं करूंगा इससे। चल अब चलेंगे। आ गया दुल्हे राजा। हाँ पापा, लेकिन है ना जल्दी सोने लग गया मैं, और आज वो एक करूंगा, शादी के 1-2 दिन रह रहे हैं बस। पागल है क्या? पिछली 7 पीढ़ियों से हमारी दारू पी के भंड होने की परंपरा रही है, और तू हमारी परंपरा को तोड़ना चाहता है? नहीं, तुझे उस परंपरा पे चलना पड़ेगा, भंड होना पड़ेगा। जैसे मैं भंड होता था, मेरा दादा भंड होता था, उसका परदादा भंड होता था, हमारी 7 पीढ़ियाँ भंड होके चलती थी। और तुझे क्या लगता है, मैं अभी ठीक हूँ? अभी भी मैंने 4 पैक भी रखे हैं, 4 पैक, और मैं आज भी भंड होके सोऊंगा, भंड होके। तो तूने हमारी परंपरा नहीं तोड़नी है, तूने भी भंड होके सोना है, भंड होके। ठीक है पापा, चलो मेरे साथ। किथे? मैं तुम्हें भंड होने के तरीके बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आओ बरखुदा, आओ वो देखो। तेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे चुप रहे पापा, ये क्या है? यही तो बेटे तुम्हारे भंड होने का सामान है, पियो और भंड हो। फिर पापा कैफे गए रहे यार, पार्टी तो कैफे में थी ना? वो बेटे कोरोना की वजह से सारे कैफे बंद है ना, इसलिए मैंने थारा सारा सिस्टम आड़ा बांध दिया, परंपरा नहीं टूटनी थी। ठीक है पापा। ठीक है नहीं बरखुदार, मैं सिखाऊंगा क्या करना है, आ जाओ। बेटे मेरी बात सुनो, ये सारी बोतल खत्म करनी है, और कोई भी पैग 60 ml से छोटा नहीं होना चाहिए। खींच के लो, पटियाला बनाओ और खींचो। और सुनो, हर पैग के बाद एक धुम्मे का कश होना चाहिए, मजा ही जब है, पियो और जियो। देखो लो, दिखाओ, शुरू करो। अरे शुरू करो, मैं उड़ रहा। अरे अरे अंदर फेंची इसने, लंबा फेंक लंबा। हाँ हाँ जान, वेरी गुड वेरी गुड। लीव एंड लेट लीव, पियो और एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ अभी। भाई तेरे पापा तो बिल्कुल भंड हो गए। अरे यार ये तो परंपरा है, इब हमने ही भंड होना है, सारे ठालो एक एक बोतल है। लो एंजॉय, ठालो अपनी अपनी बोतल है। परेन हो लेने मम्मी, मम्मी उरे नहीं है। क्या है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रखा है? मम्मी मेरा पास होना बढ़िया है, अब फेल होना। पास होना, ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा न्यू बता, मेरी शादी कब है? शादी? नशे करने लग गया है क्या? हाँ नशे तो याद आया, अगर मैं नशे करूँ तब बाबू राजी हो जाएगा। टांग काट के हाथ में दे दूंगी, चल नहाने, नहीं तो उठाऊ चप्पल। सॉरी सॉरी, मैं तो न्यू कहूं था, अरे थोड़ी आन में जाऊंगा नहाते ही। चलो शुक्र है, अजीब सी दुनिया थी,
लेकिन उस दुनिया में मेरा ब्याह होने वाला था। ये फिर सुबह उठते करो गुड मॉर्निंग का मैसेज, पूजा पायल हिमांशी रश्मि दोरे, किसी का तेरे रिप्लाई आवेगा? अरे तू प्रेरणा मर ले, प्रेरणा हो, प्रेरणा हो तू। और भाई कैसे हो सारे? अरे भाई किसी लग गया वीडियो, बढ़िया लगी हो, बुढ़िया लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। राम राम।